हृदय से धन्यवाद है। आप लोग बैठने की कृपा करें, सामने खड़े हैं आप, आगे निकल आए। बहुत अच्छी व्यवस्था पप्पू भैया ने की है। हाँ। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये, इतने कलाकार आपको सुनने को मिलेंगे कि आप आनंदित हो जाएंगे। हाँ, यही कहोगे हम सपना देख रहे हैं। हाँ। जब सन 1992 में इस मंडल की स्थापना हुई लालवन चंचल एंड पार्टी की, ओहो, क्या बात, 2 साल सानिध्य मिला, कार्यक्रम मिलते गए, यहां जाओ वहां जाओ। 2 साल के बाद जिसने उंगली पकड़ी उसने उंगली छुड़ा ली, अपना पीछा छुड़ा लिया और चला गया। ओहो। जवाबी कीर्तन में मैं आया, आज जवाबी कीर्तन को गंभीरता से ले रहा हूं। क्या बात, क्या बात, क्यों? जवाबी कीर्तन गा लेना सरल है, निर्वहन कठिन है पप्पू भैया। क्या बात, अब आजकल गुरु तो इतनी जल्दी बन रहे हैं। आओ माला डरवा लो, तुरंत गुरु बन। आधा किलो लड्डू चढ़ाओ। उन भाइयों से कहना है, क्या गुरुजी, कीर्तन मंच की बात कर रहा हूं, आप तो जगत गुरु हैं, आपकी तो बात हो ही नहीं सकती ना। ये कीर्तन मंच की व्यवस्था है। जब मैं आया, अब अस्ताचल की ओर जा रहा हूं, अपने नवयुवक कलाकारों से, बेटियों से, बहनों से एक ही निवेदन कर रहा हूं। क्या गुरु, क्या चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का प्रेम है, और प्रेम के पल प्रेम से बस बीत जाए लाल मन। चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का प्रेम है, और प्रेम के पल प्रेम से बस बीत जाए लाल मन। है माँ से कामना यही, ये कीर्तन जिंदा रहे, अरे हार जाए लाल मन या जीत जाए लाल मन। क्या बात है गुरु, वाह। मेरी कभी भावना ही नहीं रही कि मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ। मैंने, मेरे गुरु ने कहा कि जब जाना हारने के लिए जाना। क्या बात। और जो हारने के लिए जाता है वो खुद माता भी जेता बना देते। ये सुने आप, मैं कह रहा था चार दिन की जिंदगी है, चार दिन का प्रेम है, प्रेम के पल प्रेम से बस बीत जाए लाल मन। है माँ से कामना यही, ये कीर्तन जिंदा रहे, अरे हार जाए लाल मन या जीत जाए लाल मन। जब बुलाओ प्रेम से, पप्पू भैया का फोन गया, लालमन भैया तुम्हारा गाना होना है। हमने कहा बिल्कुल पस्त थी, तुम्हें कह रहा हूं, जब बुलाओ प्रेम से, ए बनमीत आए लालमन, और प्रेम से ताली बजा दो गीत गाए लाल। एक फिल्मी दुनिया का आधार ले रहा हूं कि परदेश जाके परदेश जाके नहीं भूला मेरा स
साजना आशीष जय हो महाराज जी सादर प्रणाम कर रहा वाह परदेश जाके नहीं भूला मेरा साजना आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी की अरे आज बहुत दिन बाद आई है चिट्ठी उस परदेसी जी महाराज का दरबार है शुभारंभ यही से हो जाए सादा गीत का प्रयोग है कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना कोई फिल्म है कुछ नहीं है ना आनंददायक बात प्रस्तुत हो जाए सिया से मिलके मिले प्रभु से जब बजरंग बली तो समाचार खूब खिली सबके मन की कली हनुमान जी महाराज सीता की खोज के लिए गए और जो ही हनुमान जी महाराज को आता देखा देखा गुरु पूरा रामादल प्रफुल्लित हो गया ओहो। सिया के साथ प्रभु के साथ सभी एक साथ यही पूछ पड़े मिली कहाँ है कैसी जनक की लली पूरा रामादल खड़ा हो गया एक साथ सबके मुंह से निकल रहा है क्या जानकी मिली क्या जनक नंदनी मिली हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए कि सवाल करता सौ और जवाब देने वाला व्यक्ति एक भगवान ने सबको बिठा दिया कहा बेटा हनुमान प्रभु क्या जनक नंदनी मिली हनुमान जी महाराज ने कहा हाँ मिली प्रभु ये सुनते ही भगवान राम थोड़ा विचलित हो गए कैसी है मेरी प्राण प्रिय तो हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा आप कैसे हैं आप एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग ने परमात्मा आप कैसे विचार करिए जिए बिन देख और नदी बिन बारी एक नारी कैसे रह सकती है पति के बगैर गुरुजी महाराज जिए बिन देख नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी है अरे परमात्मा आप तो पूरे दल के साथ में हैं लेकिन माता तो राक्षसियों के पहरे के बीच अकेली है भगवान ने कहा गीत का शुभारंभ है कह दिया कि बतलाओ बजरंग बली और सीता की हालत कैसी थी कहा परमात्मा हालत पूछ रहे हैं कहा जरूर पूछ रहा हूं जरूर पूछ रहा हूं तो कहा कैसी थी कैसी एक एक लाइन सुनिएगा कह दिया कि बतलाओ बजरंग वली और सीता की हालत कैसी थी तो हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़े और कहा अरे जैसी होनी चाहिए
बुरा काम करेगा। लड़का अभी छोटा है, 17 साल की उम्र का है, अपनी उम्र के हिसाब से काम नहीं कर रहा, ये अभी बच्चा नाबालिग है। सुनील भैया ये नया चेहरा है, अभी एक और जेब में है मेरे, आओ का जेब में रखे निकालेंगे नहीं, ना गुरु ना मौके पर जरूर निकाल दे, वो भी निकलेगा जेब। पौधा लगाना लालमन का काम है, फल दुनिया खाए, आओ का हम लोग जेब में पौधा लेके चलते हैं। सुनना बतलाओ बजरंग बली सीता की हालत कैसी थी, हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा जैसी होनी चाहिए और जैसी होनी चाहिए माँ की हालत बिल्कुल वैसी थी, अरे बतला वो बजरंग वली सीता की हालत पहली बात ले रहा हूं, कह रहा हूं क्या हो क्या बात, छोटा भाई है ये, एक सक्षम कलाकार है गुरुजी, उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति के प्रतिनिधि के रूप में आप उपस्थित हुए हैं। श्री नीलेश ज्वाला जी कीर्तनकार लखनऊ, आपकी तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं हैं, उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं, और पूरी पार्टी को भी आपने 51 रुपए से सम्मानित किया है। नीरज जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब गीत देखिएगा, सुनिए गीत, सुनिए, लेते रहो आज बहुत पैसा है, बड़ा पैसा आ रहा है, ये बाबा को अच्छा, बाबा भी देखना, बाबा अपनी बारी के लिए बैठे, जैसी होनी चाहिए माँ की हालत बिल्कुल वैसी थी, और बतलावो आए बतलावो, अरे बतलावो बजरंग वली गुरुजी, हनुमान जी महाराज ने कहा माँ को देखा मैंने कैसे, उतनी विधायक जी कह दिया कि जैसे चारों ओर कसाई बीच में सहमी गैया हो, क्या प्रयोग है, माँ को देखा मैंने चारों तरफ राक्षसियों का पहरा, बीच में मेरी मैया के लिए, और कैसी लग रही थी, और जैसे चारों ओर कसाई बीच में सहमी गैया हो, और बाजों के घेरे में बैठी जो मजबूर चिड़ैया, वाह गुरु वाह, माँ के प्रति भाव गुरु ऐसा। आइए छोटी बहन राखी आजाद जी हमारे मंच पे विराजमान है, तालियों से स्वागत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कीर्तन जगत की सुरीली कीर्तनकारा, कह रहा हूं कि जैसे चारों ओर कसाई बीच में सहमी गैया हो, और बाजों के घेरे में बैठी जो मजबूर चिड़ैया हो, इतना नहीं, और डायन की गोदी में जैसे, बाबूलाल भैया आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आप एक मजबूत कलाकार हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहा हूं, बहुत हल्का गीत दे रहा हूं, कह रहा हूं भैया,
अरे टायन की गोदी में जैसे सहमा सहमा छैया टायन की गोदी में जैसे सहमा सहमा छैया हो लगी देखने में मैया जो ग्रहण का लगा जो धैया क्या बात है वाह क्या बात गुरु मैंने देखा है बयान वही होगा जो देखा गया होगा और कहा हनुमान जी महाराज ने अरे जागे तीर्थ मैया लेकिन जाग तो रही थी लेकिन अरे जागती थी मैया लेकिन सोई सोई जैसी थी जैसे बहुत दिन से मैया ने नींद ना ली हो उनकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था तो कह रहा हूं भैया अरे जागती थी मैया लेकिन सोई सोई जैसी लावो बजरंग बली सीता की हालत ये एक से एक पद मुद्राए हमारे छोटे भैया लोकगीत के बहुत अच्छे गायक श्री जयप्रकाश पटेरिया जी आपकी तरफ से ये एक से एक पत्र मुद्राएं हमारे छोटू के लिए छोटू बेटे ले बेटा ले ले बेटे इसीलिए कहते हैं जय बली बैंड पहन के आया हूं आगे बढ़ा तो हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु माता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी और क्या स्थिति थी क्या अर ताके टुकुर टुकुर जैसे सिंहों के बीच हिरनिया जैसे एक मजबूर हिरन अगल बगल उसको शेर का समूह आ जाए कैसी स्थित होगी विचार करना सोचना काली राजू भैया ये विचार नहीं सब्जेक्ट दे रहा हूं कह रहा हूं कि ताके टुकुर टुकुर जैसे सिंहों के बीच हिरनिया हो और प्रतिबंधित इतनी जैसे कि दांतों बीच जुबनिया क्या प्रयोग है वाह बोल भी तो नहीं सकती कह रहा हूं कि ताके टुकुर टुकुर जैसे सिंहों के बीच हिरनिया हो और प्रतिबंधित इतनी जैसे कि दांतों बीच जुबनिया हो और खास बात ये नैना पथ निरखे जो पति से बिछुड़ी हुई दुल्हनिया हो ये नैना पथ निरखे जो पति से बिछुड़ी हुई दुल्हनिया हो और निश्चल किसी जलाशय में जो ठहरा ठहरा पनिया हो हनुमान जी महाराज कहने लगे परमात्मा आपने नहीं देखा देखा तो मैंने बिल्कुल अरे प्रत्यक्ष देखा मां को अरे प्रत्यक्ष देखा प्रत्यक्ष देखा मां को और पत्थर की प्रतिमा जैसी थी एक जगह पे विराजमान है मां न हिल रही न डुल रही है अग्नि देवता से आग मांग रही है और पवन देवता से हवा मांग रही कह रही मेरे तन को जला दो लेकिन ना अरे प्रत्यक्ष देखा मां को अरे प्रत्यक्ष देखा मां को और पत्थर की प्रतिमा जैसी थी पतला वो बजरंग बली सीता की हालत कैसी थी
का वितरण नहीं होगा। चाय की व्यवस्था है, जिसको पीने की इच्छा होगी पंडाल पार करिए, चाय मिल जाए आपका तुरंत बिना पैसे के। गाने का टेस्ट खराब हो जाएगा चाय के चक्कर में। ये महाराज जी, चाय वाले को मत छेड़ो। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु जब मैं गया तो माता ने मुझको पहचानने से इनकार कर दिया। ओहो दाऊ साहब, पहचानने से इनकार कर दिया कि आप मेरा कौन हो सकता है। और जो ही मैंने मुद्रिका भेंट की, जो ही मुद्रिका भेंट की तो माता ने मेरी तरफ निहारा। और निहारा कैसे? कैसे मध्य प्रदेश के जनमानस को मैं सूरज को दीपक दिखाने का काम करने जा रहा हूं पटेलिया साहब। कह दिया क्या? कि जब मुझको देखा और मिली तो ऐसा लगा जैसे कि वस्त्रहीन मर्यादा को जो वस्त्र कोई मिल जाता है। शरीर में कपड़े ना हो, अचानक उसको कपड़े पहना दिए जाए, स्थिति ये बनेगी। कह दिया मुझको पाके माने आभास किया गुरुजी। अरे वस्त्रहीन मर्यादा को जो वस्त्र कोई मिल जाता है, और रण में किसी निहत्थे को जो अस्त्र कोई मिल जाता है। अरे बिछड़ी पत्नी को प्रीतम का पत्र कोई मिल जाता है, अरे बिछड़ी पत्नी को प्रीतम का पत्र कोई मिल जाता है, और प्यासे पपीहे को स्वाति नक्षत्र जैसे मिल जाता है। अगर वो जीवित थी तो, अरे आपकी कृपा ही उनके, आपकी कृपा ही, आपकी कृपा ही, आपकी कृपा की रहना दे दाता। ये क्या बात है गुरु, इतना कोई टिक ही नहीं सकता, इतना टेढ़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये भी हमारे उरई से पधारे हमारे अजय विजय जी के शिष्य हैं, बहुत अच्छा गाता है लड़का, मैंने लखनऊ में सुना, अच्छा लगा कि सुरीला कलाकार कीर्तन जगत में जिसकी जरूरत है, अब तो सुरीले कलाकारों की ही जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने छोटे भाई हमारे आ जाए, लालवन उतना ज्यादा ज्यादा दिन जी जाएगा। जितने कलाकार, हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा आपकी कृपा ही उनके, आपकी कृपा ही उनके जीने में तैसी थी। और पतला वो बजरंग वली सीता की हालत कैसी, वाह काहे सब खर्चा करने डाल रहे, हो गया सो हो गए। ये हमारे जय प्रकाश पटेलिया जी लोकगीत के बेहतरीन कलाकार, मैं इनको सुनता हूं तो फेसबुक में सुन लेता हूं, आओका तसल्ली मार लेता हूं, आओका कि भाई हमारा गा रहा है अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आओका, इनके तरफ से फिर 101 पत्र मुद्राए हैं, हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है। साथ ही साथ ये 501 पत्र मुद्राए हमारे दाऊ साहब श्री गोविंद सिंह जी टोरिया, जिला अध्यक्ष हैं आप भारतीय जनता किसान मोर्चा छतरपुर से, हाल निवास ग्राम पोस्ट गंज जिला छतरपुर, दाऊ साहब की तरफ से ये 501 पत्र मुद्राए आई हैं। मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ और अंतिम बात पेश कर रहा हूँ। ये सभी लोग ध्यान से सुनिए, हनुमान जी महाराज ने कहा परमात्मा एक बात और सुन लो। सुनिए, कहा भी कुछ बाकी है? कहा हाँ बाकी है। मैं जब चलने लगा, मैंने कहा माँ, मैंने आपका दर्शन पा लिया, भगवान ने भेजा था पता लगाने के लिए। अरे तेरा पता लगा लिया, अब जाके प्रभु को जाके बताना है।
और जो ही चलने लगे तो ऐसा लगा जैसे माँ ने मुझको देखा, जैसे जैसे अरे डूबने वाले से छिन जाता जो तिनके का सहारा है। वाह गुरु वाह। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो, ओहो ये माइक मिल जाए, डिपेंड हो जाए कि ये माइक मेरे प्राण बचा लेगा, और अंत में माइक भी छूट जाए, ओ स्थित क्या हो, विचारणीय सब्जेक्ट है ये। कह दिया कि डूबने वाले से छिन जाता जो तिनके का सहारा है, और चलते चलते मैया ने जिस तरह से मुझे निहारा है, और सुख और दुख का एक पल में, महाराज जी अंतिम लाइन आपके चरणों में है ये क्या, और सुख और दुख का एक पल में अब देखा हमने नजारा है, और वर्णन करते पवन पुत्र के वही अश्रु की धारा है। हनुमान जी रोने लगे, ओहो, और रोते रोते इतना क्रोधातुर हो गए, कहा भगवान आपने पता लगाने का आदेश दिया था, अगर मुझसे और कुछ कहे होते तो कह दिया परमात्मा अरे बंधा जो ना होता तो आपके बचनों में, बंधा जो ना होता तो लंका की ऐसी तैसी थी। अरे मैं उस लंका को उस समुद्र में डुबो के और माता को साथ लाके आपको मुंह दिखाता। अरे बंधा जो ना होता तो, बंधा जो ना होता तो लंका की ऐसी तैसी थी। बतला वो बजरंग वली सीता की हालत कैसी थी, बतला वो बजरंग वली सीता की हालत कैसी थी, बतला वो बजरंग वली सीता की हालत कैसी थी। जैसी होनी चाहिए वैसी थी, बतलाओ हाय बतलाओ अरे बतलाओ बजरंग वली सीता की हालत कैसी, बतलाओ बजरंग वली सीता की हालत कैसी थी, बतलाओ बजरंग वली सीता की हालत कैसी थी। अरे रे रे चलो हनुमान जी महाराज की जय। वास्तव में साध्य को साहित्य का आनंद है, और कीर्तन कान से सुनने का विषय नहीं है, कीर्तन ध्यान से सुनने का विषय है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से बाउंसर बनकर कीर्तन निकल जाएगा। बहुत सुंदर भावपूर्ण गीत आदरणीय चंचल जी ने पढ़ा, और बहुत सुंदर उपमा का प्रयोग किया है, क्योंकि आत्मा के सौंदर्य का सप्त रूप है काप, और माना होना भाग्य है कभी होना सौभाग्य। ये बड़ा सौभाग्य है कि यहां पर कवियों का कुंभ लगा है आज। निश्चित रूप से हमें तो हरिद्वार का दिख रहा प्रतिबिंब है, लग रहा जैसे पूरा हरिद्वार का आ गया यहां कुंभ है, पूरा कुंभ सरस्वती के भरत पुत्रों का यहां लगा है। वास्तव में आज दोनों ही महारथियों की परीक्षा का विषय है, क्योंकि सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता, सत्य का राही कभी बागी नहीं होता। कीर्तन को तो लोगों ने बदनाम कर रखा है मेरे दोस्त, कीर्तन का दामन कभी दागी नहीं होता, कीर्तन का दामन कभी दागी नहीं होता। बहुत ही सुंदर मंच सजा है, और चाय जरूर भिजवा दे आदरणीय चंचल जी के लिए, और आपने चाय वाले को टोका था।
और चाय वाले को मत टोका करिए जाने कब कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कौन सा दूध कब पनीर बन जाए, कौन सा दूध कब पनीर बन जाए, इन मवालियों को मत छेड़िए, ना जाने कौन सा मवाली कब वजीर बन जाए। इसे दूध चाय वाले का मत छेड़िए कब प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत सुंदर ये दादा की स्मृति में बहुत सुंदर श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही बड़ा कुंभ है, बहुत कलाकार यहाँ हैं। आज वास्तव में जब हम लाखों रुपए खर्च करेंगे तो इतने कलाकार हमें सुनने को नहीं मिलेंगे। वो पप्पू भैया के छोटे से बुलावे पर यहाँ इतने बड़े कलाकार आए हैं, और हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त होगा आज महाराज श्री के आशीर्वाद से कि इतने महान कलाकारों को निश्चित रूप से एक एक गीत सुनने को मिलेगा हमें। और बहुत सुंदर प्रसंग आपकी ओर से भगवान बजरंग बली का लाया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर निरअहंकारता सीखनी है तो भगवान हनुमान जी से सीखिए। आप देखिए जब शक्ति दिखाने का टाइम आया, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कभी रूप दिखावा, सत योजन जब आनन कीना, तो अति लग रूप पवन सुत कीना बुद्धि। महाराज श्री ने कहा था कि विद्वान तो रावण भी था लेकिन विद्यावान होना जरूरी है। तो भगवान हनुमंत लाल ने जब ताकत दिखाने की बात आई तो शरीर को बढ़ाया, और बुद्धि दिखाने की बात आई तो शरीर को छोटा किया। तो अगर निरअहंकारता सीखनी है तो हनुमंत लाल जी से सीखिए। जब पंचवटी जब मुद्रिका लेकर भगवान हनुमान जी पहुंचे तो माता को शंका हुई, तो उन्होंने पूछा आप हैं कौन। तो आप देखें कितना सुंदर स्वरूप दिया, लेकिन शंका माता को वहां होती है। तो हनुमान जी ने शंका मिटाने के लिए कनक भूधराकार शरीरा, माता की शंका मिटाने के लिए रूप बड़ा किया, और जब शंका मिट गई तो रूप छोटा कर लिया था। तो इसलिए हनुमान जी निरअहंकारता के प्रतीक हैं। और आपके सामने हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही सुरीले कलाकार भाई बाबूलाल जी आपको सुंदर से गीत। बड़े भाई बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद वाकई सत्य है। परदेश जाके सम्मानी बड़े आचार्य जी श्री जाहर सिंह जी मुद्रेला 101 मुद्राएं आपकी ओर से ये आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है। परदेश जाके दिनों के बाद मिली है, बहुत दिनों के बाद मिली है चिट्ठी उस परदेसी।
अरे बहुत दिनों के बाद मिली है चिट्ठी उस पर से। हेलो पप्पू भैया, भगवान हनुमान जी से पूछते हैं क्या? हे हनुमान बताओ आखिर मेरी सीता कैसी है? बड़े भैया बड़ा सुंदर गीत है और जो कुछ उसमें लगाया है आपने लाजवाब। अरे बदलाओ बजरंग बली, बदलाओ बजरंग बली सीता की हालत कैसी थी? जवाब मिला जैसी होनी चाहिए। इधर भगवान पूछते हैं आखिर हनुमान सीता की हालत कैसी थी? तुमने देखा थोड़ा सा प्रसंग को पीछे लिए चल रहा हूं, कथानक वहीं से है। हनुमान जी पहुंचते हैं माता सीता के पास, बहुत बड़े बड़े रचनाकार विद्वान कीर्तनकार यहाँ पर विराजमान है। निवेदन कर रहा हूं पंक्तियों पर थोड़ा ध्यान दें। माता ने कहा हे हनुमान मैं कुछ पूछना चाहती हूं। हाँ माते पूछो। सुनो हनुमान, अरे बदलाओ, हाँ बदलाओ के बदलाओ हनुमान लला, अब बदलाओ हनुमान लला क्या हालत है रघुनाथ की। बदलाओ हनुमान लला क्या हालत है रघुनाथ की। कहा मां जानना चाहती हो? कहा हनुमान, कहा सुनो no. क्या हालत है रघुनाथ की? क्या हालत बिल्कुल वैसी बदलाओ।
गया। चंचल जी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है आपने गीत में। छोटा भाई प्रयास कर रहा है, अगर प्रयास अच्छा लग जाए, ये तो हमें पता है कि आप कंजूस हो। छोटा भाई बस आशीर्वाद चाहता है। बिल्कुल अच्छा पहले ही ला रहे हो। देखो वैसे बुंदेलखंड में कहते हैं ना कि इसमें इनकी कोई थराई नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा हक है, हर मंच पर मिलता है हमको। और इनका नहीं, ये घर से आता है। प्रणाम कर रहा हूं बड़े भैया चंचल जी के चरणों में, आशीर्वाद चाहता हूं। ये आशीर्वाद आपकी ओर से आया है, बहुत अच्छा प्रयोग आप लोगों ने सुना है, सुनिएगा। यहो अरे वैसे ही व्याकुल है जैसे, माँ अरे वैसे ही व्याकुल है जैसे चंदा बिना चकोरी के, वैसे ही सीटी जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, हाँ वैसे ही व्याकुल है जैसे चंदा बिना चकोरी के, और वैसे दुखी है मेरे स्वामी बिन स्वामी ने जनक किशोरी के, तो जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल, जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल मृग, अरे मृग जैसे कस्तूरी को, जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल मृग जैसे कस्तूरी को, और वैसे सहन ना कर पाते हैं नाथ मात की दूरी को। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। जैसे मणि बिन फणी हो व्याकुल और मृग जैसे कस्तूरी को, वैसे सहन ना कर पाते हैं नाथ मात की दूरी को। बड़े भैया अरे जैसे बिछुड़ गई हो, छुड़ गई हो जोड़ी वो हंस हंसनी साथ की, जैसे भी छुड़ गई हो जोड़ी हंस हंसनी साथ की, तो बदलाओ अब बदलाओ सब प्रयास किया है बड़े भैया। अरे जैसे चकई बिना चकवा हो, जैसे
जैसे चकई बिना चकवा के रैन चैन ना पाता है, जैसे चकई बिना चकवा के रैन चैन ना पाता है, और जैसे पपीहा एक बूंद को परसों आस लगाता है। ये भवड़िया भवड़िया, जैसे पपीहा एक बूंद को विरह का सूल श्री रघुवर को सहाना जाता है, वैसे विरह का सूल श्री रघुवर को सहाना जाता है, और पल पल बिछुड़न आपका माता प्रभुवर को तड़पाता है। अरे जैसे नैन बिना ज्योति, ये हमारे बहुत ही अच्छे सुरीले कलाकार आदरणीय निराला जी, श्री नंद किशोर निराला जी की ओर से ये 101 मुद्राएं हमारे रचनाकार आदरणीय गुरुवर श्री विमल विनोदी जी के लिए जवाब की पंक्तियों पर ये 101 मुद्राएं आई हैं। भैया निराला जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और पूरी पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे नैन बिना ज्योति, जैसे नैन बिना ज्योति, अरे हालत है उस भात की, तो बदलाओ सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल अंतिम लाइनों में आपने कुछ हट करके प्रयोग किया है, तो फरनी बिन ऐसे पर सुने वरनी बिन ऐसे पर सुने, अरे वरनी बिन ऐसे पर सुने प्राण बिना जो काया है, और माया बिन जो ब्रह्म सुना बिना जो माया,
वास्ता छुड़वा दें क्या? ऐसी पोजीशन में खड़े हैं कि जैसे लगता है कि आगे जाने वाले हैं। ऐ माँ आप बिना है, आप बिना है, अरे आप बिना स्वामी ऐसे जो मुंदरी बिना नगीना है। जीवन जीते हैं प्रभु पर आप बिना क्या जीना है। ये अरे जीवन जीते हैं प्रभु पर आप बिना क्या मजबूरी है, वरना आप कहें तो बदलाओ हनुमान लला क्या हालत है रघुना। बहुत बहुत धन्यवाद है।